बॉलीवुड में रुचि रखने वाले सभी दर्शकों का हमारी आज की खबर में स्वागत है। आप लोगों ने बॉलीवुड में शुरू से लेकर अभी तक कई ऐसे विलन देखे होंगे जो बेहद धांसू एक्टिंग करते हैं और अपने खौफ से सभी को डरा देते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के विलेन आशुतोष राणा की, जिनकी अदाकारी कभी भुलाई नहीं जा सकती। आशुतोष राणा को जैसा किरदार दिया जाता वह वैसे ही किरदार में ढल जाते। आशुतोष ने कुछ ऐसे किरदार भी निभाए हैं जिन्हें निभाने से बाकी सभी एक्टर्स ने साफ इनकार कर दिया था। इन्होंने एक लड़की से लेकर एक किन्नर तक के सभी किरदार निभाए हैं और अपने सभी दर्शकों को एंटरटेन किया है। थर्ड पार्टी इमेज रेफरेंस। आशुतोष राणा का जन्म 10 नवंबर 1967 में मध्य प्रदेश में हुआ था। इन्होंने वही अपनी पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर हरिसिंह गौर यूनिवर्सिटी से पास आउट होकर एक्टिंग सीखने चले गए। हम आपको बता दें कि आशुतोष राणा की पत्नी का नाम रेणुका निखरा है। इनके दो बेटे भी हैं, शौर्यमन निखरा और सत्येंद्र निखरा। हाल ही में आशुतोष राणा की फिल्म धड़क रिलीज हुई, जिसमें आशुतोष एक खतरनाक विलेन का किरदार निभा रहे हैं। इस फिल्म के रिलीज के बाद इनकी पत्नी रेणुका निखरा की कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल होने लगी। हम आपको बता दें कि रेणुका भी बॉलीवुड फिल्मों में काम करती थी और दिखने में बेहद खूबसूरत है। रेणुका की यह तस्वीर इसलिए वायरल हो रही है क्योंकि इस तस्वीर में वह बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री माधुरी दीक्षित के साथ नजर आ रही है। इससे पहले किसी को खबर भी नहीं थी कि आशुतोष राणा की पत्नी बॉलीवुड में काम करती हैं। थर्ड पार्टी इमेज रेफरेंस। रेणुका देवी बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया है। रेणुका को काफी मेहनत करने के बाद भी कभी मेन एक्ट्रेस का किरदार नहीं दिया गया। वह हमेशा साइड रोल ही किया करती थी, इसलिए जब वह इतनी मेहनत करने के बाद भी अपने पति की तरह बॉलीवुड में सफल नहीं हो पाए तो उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बना ली। अब रेणुका निखरा एक साधारण हाउसवाइफ की तरह अपनी जिंदगी खुशी से व्यतीत कर रही है। हरियाणवी गाने माधुरी दीक्षित के साथ फिल्म हम आपके हैं कौन में काम किया था। प्रेम में रेणुका ने काफी बेहतरीन एक्टिंग की, लेकिन माधुरी दीक्षित के फिल्म में होते हुए किसी ने भी उन पर ध्यान नहीं दिया। हाल ही में रेणुका के जन्मदिन पर आशुतोष राणा ने उन्हें एक BMW कार गिफ्ट की।